Hello friends, namaste. Welcome back to my channel once again. Happy Republic Day to all of you. आप सबको 73rd Republic Day गणतंत्र दिवस का ढेरों शुभकामनाएं. और आज फिर से एक स्पेशल ओकेजन है और हमारे तरफ से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं इस स्पेशल दिन का. बचपन से ही इस चाहे गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त हो तो एक देशभक्ति का जज्बा अंदर से ही उमड़ के आ जाता था. सुबह उठ के फिर दिन ऐसा रहता था कि अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर हम स्कूल जाते थे. स्कूल में उसकी तैयारी तो एक हफ्ते पहले ही होता था. स्पीच की तैयारी हो या पोएम की तैयारी या कोई भी वो जो पेंटिंग पोर्ट्रेट की तैयारी वो सब चलता ही रहता था. पर उस दिन का जो फिगर एनर्जी वो जो रहता था वो कुछ अलग ही लेवल का था. तो पहले स्कूल जाके रेडी होके फिर टीचर्स स्पीच देते थे, उसका हम लोग अच्छे से सुनते थे और सीखते थे कि बहुत सारे वैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है हमें आज़ादी दिलाने के लिए. और गणतंत्र दिवस तो बहुत ही स्पेशल है. जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था और इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इस साल हम 2022 को 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं. तो हमारे तरफ से एक छोटा सा एफर्ट है ट्रिब्यूट देने का हमारे फ्रीडम फाइटर्स को. मैं फिर से मेरे हस्बैंड को उनको रिक्वेस्ट किया है मैंने कि वो कुछ पेश करें आपके सामने. होप यू लाइक इट. ओवर टू सरोज. नमस्ते, आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे है. होप यू हैव सेलिब्रेटेड योर डे नाइसली विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड योर क्लोज सर्कल्स. So from our side, we are trying to bring a tribute, a dedication, which is for the freedom fighters. And I'm going to sing one song from an old movie. It is from the movie Shaheed. And it was actually the original song. There are different versions of the song in the later movies. But however, this one is very special to me, and this very soothing and extremely powerful message it has got. It served as a means to unite the freedom fighters during pre-independence era. Hope you will like it. Here I am singing the song, Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai.
प्रीत मन्ना कब हमारे दिल में है, सर्वपरोशी प्रीत मन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सर्वपरोशी प्रीत मन्ना अब हमारे दिल में वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां। हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है, सर्वपरोशी प्रीत मन्ना कब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सर्वपरोशी प्रीत मन्ना अब हमारे दिल में है, सर्वपरोशी प्रीत मन्ना अब हमारे दिल में है। थैंक यू। This was really very sentimental and emotional and very heart-touching also. I have, this is the best, but I have one more favorite of my own. I would like to request you, can you please sing that one, please? Okay, I'll try. Thank you. So this is a song from one of the old Hindi serials, Parampir Chakra, from old Doordarshan serial. It was almost 35 years ago, 30 to 35 years ago. And this song is very unique, and it has got a lot of meanings and extreme dedication to the motherland. The dedication showed by the freedom fighters also after independence, the soldiers who were dedicated to their life, sacrificed their life for the motherland, India. Bharat ke liye jinhone apna jeevan utsarg kiya tha, Paramveer Chakra, iske upar aadharit tha. To shaan teri kabhi kam na ho, ae vatan mere vatan, ae mere vatan. Hope you like it. शान तेरी कभी कम न हो, शान तेरी कभी कम न हो, ए वतन मेरे वतन, मेरे वतन, शान तेरी कभी कम न हो, ए वतन।
वतन मेरे वतन मेरे वतन आन तेरी कभी कम न हो ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरे दीपक की लौ कम न हो इसलिए खून बहाते रहे तेरे दीपक की लौ कम न हो इसलिए खून बहाते रहे तेरा महके हमेशा चमन ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन आन तेरी कभी कम न हो ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन थैंक यू Thank you so much for this. Actually, I got goosebumps. मेरे goosebumps आ गए हैं. इतने meaningful lyrics हैं इसके और इतना मतलब life जैसे लगा. और listening this song from him is really a wonderful experience for me. मुझे ये पता नहीं था ये वाला वो जो गाना है. इनसे ही मैंने सुना कई बार. तो मुझे सबसे ज़्यादा यही वाला सॉन्ग लगा और तब से ये मेरा फेवरेट हो गया रिसेंटली दो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको थैंक यू सो मच और आप बताइए आपने कैसे सेलिब्रेट किया कमेंट करके बताइए और आपको कैसा लगा हमने जैसे सेलिब्रेट किया ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं टाइम एरा और ईयर चाहे कोई भी हो जब मैं स्टूडेंट थी तब यही वाला फीलिंग्स था जब टीचर बनी तब भी यही वाला फीलिंग्स था जब मेरे बच्चे स्कूल गए तब भी यही वाला फीलिंग्स रहा है तो टाइम एरा और ईयर चाहे कोई भी हो ये हमेशा से चलता आया है चलता आएगा आगे भी ये हमारा एक छोटा सा एफर्ट था हमारे कंट्री को हमारे देश को ट्रिब्यूट देने का मुझे नहीं लगता इससे अच्छा हम और किसी तरह ट्रिब्यूट दे पाते हमारे देश को तो यही मुझे सबसे अच्छा एक तरीका लगा कि हम अपना फीलिंग्स वो जो हम फील करते हैं वो जाहिर करें सबके सामने कमेंट करके बताइए आपने कैसे क्या सेलिब्रेट किया थैंक यू फॉर वॉचिंग आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कमेंट करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को थैंक यू सो मच हमने आज खाना ऑर्डर कर दिया था और ये स्वीट मैंने बनाया था बाकी ये स्पेशल फ्राइड राइस है और वो दाल फ्राई
ये वेज मंचूरियन नो सलाद हमने ले लिया है, बच्चों का हो गया है खाना, तो आज स्पेशल डे में हम ये स्पेशल कर रहे हैं। ये पूरा फुल था, हाफ हो गया है। गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बना था। यहाँ पे एक वेज रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, जल्दी पहुँचा देते हैं वो भी, और वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छे से बनाते हैं, और बाकी कहीं से अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा है ना, ज़्यादा तीखा भी नहीं है, नॉर्मल है, स्पाइसी।